असलम दोस्तों दोस्तों साइंसदानों ने जमीन का जुड़वा स्यारा दरियाफ्त कर लिया है एक ऐसा स्यारा जो चांद से भी ज्यादा रोशन दिखाई देता है एक ऐसा स्यारा जहाँ सूरज मगरब से तलू होता है साइंसदानों का मानना था कि जमीन की तरह यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ सरसब्ज़ सरसब्जो शादाब जंगलात बहते हुए दरिया और भरपूर जिंदगी मौजूद होगी लेकिन जब साइंसदान स्यारे तक पहुंचे तो ये देख कर हैरान रह गए थे कि वहाँ क्यामत आ चुकी है जी हाँ दोस्तों तपता हुआ सूरज गर्म लावा उगलते हुए पहाड़ जलती हुई वादियां और आसमान को छूते हुए आग के शोले तेजाब की बारिश और जलती हुई हवाओं का तूफान इस सियारे का मुकद्दर बन चुका था आखिर इस सियारे के साथ क्या हुआ और क्या अगला नंबर हमारे सियारे का है ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती की बिना पर देवी कहलाए जाने वाले खूबसूरत सियारे विनस की जिसे बाज लोग जमीन का जुड़वा सियारा भी कहते हैं क्योंकि साख्त और बिनावट के लिहाज से ये जमीन की तरह दिखने वाला सियारा है और दोनों ही मदार में सूरज के चक्कर लगाता है और दोनों का आगाज एक ही न्यूबेला से हुआ था प्यारे दोस्तों ये हमारे शमशी का सबसे बड़ा स्यारा तो नहीं इसके बावजूद यह सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है इसकी वजह तो ये भी है की यह जमीन के सबसे करीबी स्यारा है और दूसरी ये है की इस स्यारे के गिरद गैसों के बादल मंडलाते रहते हैं और जब सूरज की श्वाई इन गैसों के बादलों पर पड़ती है तो इनका सत्तर फीसद हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से यह सियारा खला में सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है लेकिन मोहब्बत की देवी और रूप की सुंदरी के लाए जाने वाला ये स्यारा बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है अंदर से इतना ही भयानक नाक और खौफनाक है प्यारे दोस्तों आज से तकरीबन 100 साल पहले तक साइंसदान ये मानते थे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समंदर जंगल और डायनासोर रहते थे लेकिन 1950 में रशिया की स्टडी कर रहा था रशिया ने 1961 से 1968 तक एक के बाद एक स्पेस वीनस की तरफ लॉन्च किया वीनस की सतह पर लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था वीनस पर पहले छह स्पेस क्राफ्ट भेजे गए जिसमें वनीरा वन वनीरा टू थ्री और फोर और फाइव और वनीरा सिक्स शामिल हैं, लेकिन ये सब स्पेसक्राफ्ट वीनस के सरफेस पर, पर प्रेशर की वजह से तबाह हो गया लेकिन रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी नाइनटीन में वनीरा नाइन को लॉन्च किया गया जो वीनस की सतह पर कामयाबी से लैंड करने में कामयाब हो गया जो पचपन मिनट तक रहा और आखिरकार साइंसदान वीनस की सतह की इमेजेस देखने में कामयाब हो गए लेकिन इन्होंने जो इमेजेस देखी वैसा वीनस बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था ये वो इमेजेस थे जिसमें सबसे पहली बार वीनस की सरफेस को देखा और फिर 1985 में वनीरा 13 और 14 ने हमें सरफेस की पहली कलरफुल इमेजेस भेजी और इसमें हमने देखा कि ये जगह से कम नहीं थी क्योंकि ये जमीन से लावा उगलती है यहाँ लावे के समंदर हजारों मीटर तक गहरे हैं जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है इसके अलावा यहाँ पर हर वक़्त तेजाबी यानी सल्फोरिक एसिड की बारिश होती है जबकि आप ये सुनकर मजीद हरा होंगे कि वीनेस पर सैकड़ों किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलती रहती हैं ये हवाएं इतनी तेज होती हैं आप इस बात का अंदाजा यू भी लगा सकते हैं कि हमारे जमीन पर आने वाले तूफानों को हम भरी के एक दो तीन चार और पांच में तकसीम करते हैं और पांच दुनिया में किसी भी तूफान की सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें दरख्त उखड़ जाते हैं और छतें उड़ जाती हैं लेकिन जमीन पर फायर की रफ्तार दो किलोमीटर फी घंटा होती है जबकि वीनस पर तूफान गर्दिश करता रहता है और इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है लिहाजा तेजाबी बारिश तेज तरीन तूफान और 2800 किलोमीटर मोटी बादलों की तय इसे मजीद खौफनाक बना देती है प्यारे दोस्तों 250 किलोमीटर ऊंची बादलों की तय की वजह से विनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन से बेपना ज्यादा होता है अब यूँ समझिए कि जमीन पर गैसों का दबाव चौदह सात पाउंड इंच होता है जबकि विनस पर यही दबाव 1300 पाउंड्स पर स्क्र इंच होता है जो कि दुनिया की नस्बतन नब्बे फीसद ज्यादा है ये दबाव इतना ज्यादा है की कोई इंसान तो क्या यहाँ मजबूत तरीन गाड़ी भी खड़ी कर दी जाए तो वो पिचक कर रह जाएगी साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह में भी समंदर हुआ करता था लेकिन आखिर वो समंदर कहा गायब हो गया इसे जानने के लिए नासा ने ने 1999 में द को लॉन्च किया ने रेडार की टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस की सरफेस की मैपिंग की और पहली बार हमने वीनस के बादलों के नीचे वाला हिस्सा देखा लेकिन जहाँ पर कहीं भी पानी का नामो नहीं था यहाँ पर चारों तरफ वालकैन और लावे की नदियां थी प्यारे दोस्तों के फटने और जल्जलों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में मुसल इजाफा हुआ है जिसकी वजह से वीनस पर बहुत ही जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो चुका है इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकती जिसकी वजह से करोड़ों साल तक गर्मी वीनस के अंदर जजब होती रही और इसका दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लानट है प्यारे दोस्तों जब मैंगल स्पेस क्राफ्ट इसकी मैपिंग कर रहा था तो वीनस के पहाड़ों के ऊपर कुछ सफेद चीजों को देखा गया अगर आप वीनस की सतह को देखेंगे तो ये पहाड़ आपको बहुत चमकीले नजर आएंगे ये चमकीले इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं और साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ है जो धातु की तरह इसके पहाड़ों पर जमी हुई है लेकिन हैरत की बात तो ये है कि हम आज भी ये नहीं जानते की वीनस की ये हालत आखिर कैसे हुई कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस के पास चांद हुआ करता था जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और वीनस अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया जिसकी वजह से वीनस का इलेक्ट्रो हुआ इस पर मौजूद पानी को स्पेस में भेज दिया यह सिर्फ साइंसदानों का एक अंदाजा है लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हुआ लेकिन वीनस से हमें एक बात पता चलती है कि जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं इससे ऐसा मुमकिन है कि एक दिन हमारी जमीन की हालत भी वीनस जैसी हो जाएगी प्यारे दोस्तों इसके अलावा एक सौ चालीस इशारिया यूबी नावी स्यारा भी मौजूद है ये एक ऐसा सियारा है जहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है और जहाँ लावे के समंदर एक किलोमीटर गहरे है जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है इस सारे पर हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से चार गुना ज्यादा है तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दे इजाज़त शुक्रिया हाफिज़ दोस्तों